हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज मैं टाटा मोटर्स पे अपडेट लेके आया हूँ। जैसा मैं आपको पहले भी बताया हूँ, इस पे मैं निगेटिव मेरा व्यू है, क्योंकि इसमें फाइनेंशियली बहुत अच्छा ये कर नहीं रहा है। वो निगेटिव व्यू होने का कोई बहुत बड़ा रीज़न नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियली नहीं कर रहा अच्छा, इसके लिए निगेटिव व्यू है। और आप देखने मिल रहा है आपको वापस आज इसने अच्छे खासा 6 पॉइंट को तोड़ा सर, 3.73% को तोड़ा है ये। इसमें और सपोर्ट मिल गया तो इसको तोड़ने के कारण वो क्या हुआ, S&P ने डाउनग्रेड कर दिया इसकी रेटिंग को। अरे मैं फर्स्ट टाइम इस पे वीडियो आपको बना के नहीं दे रहा हूँ, इसके पहले भी मैंने आपको ये वीडियो मेरा जो चल रहा है यहाँ पे आपको पहले भी दिया, गई भैंस पानी में टाटा मोटर्स न्यू टारगेट 130-150, ये मैंने आपको बहुत पहले दिया हुआ है, 7 अक्टूबर को ही दिया है। और उस समय इसका रेट 216 चल रहा था। तो उसके इसके बाद फिर से एक अपडेट दिया था आपको जो 190 के आसपास चल रहा था, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बोला था कि इसको आपको बेच के ही चलना है। आप यहाँ पर देखेंगे तो वापस मैंने आपको एक अपडेट दिया था, देखिए टाटा मोटर्स वैल्यूएशन यहाँ पे ये भी दिया था, वैल्यूएशन सपोर्ट अगला। हेलो, कैसे हैं? आज 21 तारीख है और टाटा मोटर्स में आज देखेंगे आप, तो अब इस पे देखेंगे ये 184 के आसपास चल रहा था। यहाँ पे भी मैंने आपको वार्निंग दिया था, ये बताया था कि आपको इससे बाइंग पोजिशन नहीं बनानी चाहिए। इनफैक्ट मैंने आपको ये भी दिया था, सेल टाटा मोटर रेटिंग निगेटिव है S&P भी, इसके पहले दिया था आपको सून विल बी ट्रेडेड एट 152। तो मैंने आपको समय समय पर इस पर हर समय अपडेट किया हुआ है। अभी क्या हुआ, अभी ये रिसेंटली क्या हुआ, ये S&P करके एक एजेंसी है जिसने टाटा के टाटा मोटर्स को डाउनग्रेड किया। क्या किया आइए खुद देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, होम ग्राउंड ऑटो मेजर टाटा मोटर्स सेड S&P ग्लोबल रेटिंग हैज डाउनग्रेड द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द कंपनी एंड इट्स ब्रिटिश आर्म जगुआर लैंड रोवर। टाटा मोटर्स इश्यूज क्रेडिट रेटिंग एंड सीनियर अनसिक्योर्ड नोट्स रेटिंग हैव बीन रिवाइज्ड टू BB निगेटिव वॉच फ्रॉम एग्जिस्टिंग BB। BB था उससे BB निगेटिव किया गया ड्यू टू वीकर प्रॉपर्टी एट JLR द कंपनी सेड इन द रेगुलर फाइलिंग। तो अगर एक बार हम इस पे वॉच करें तो इसकी प्रॉब्लम क्या है, इसका बेस्ट पार्ट आपको क्या है सो बताता हूँ। इसका बेस्ट पार्ट है कि आपने बुक वैल्यू के 0.59 टाइम्स, एसेट के वैल्यू के सिर्फ 0.59 टाइम पे डील कर रहा है। खराब क्या क्या है इसका, कंसिक्वेंस क्या है, देखिए दो दी कंपनी इज रिपोर्टिंग रेपटेड प्रॉफिट, इट्स नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। प्रॉफिट तो डिक्लेयर कर रहा है बट डिविडेंड नहीं दे पा रहा है। कंपनी हैज लो इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट पेमेंट करने की जो इसकी कैपेसिटी कवरेज रेशियो बहुत लो हो चुकी है। दी कंपनी हैज डिलीवर्ड ए पुअर ना एकदम पुअर ग्रोथ, 9.3 का ग्रोथ दे रही है कंपनी। कंपनी हैज ए लो रिटर्न इन इक्विटी, 12.8 फॉर लास्ट 3 इयर्स से 12.81 इक्विटी का रिटर्न दे रही है। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग, हो सकता है कंपनी जो इंटरेस्ट कॉस्ट है जिसको नहीं पे कर पा रही है उसको कैपिटलाइज भी कर रही होगी। तो अगर इंटरेस्ट कॉस्ट को हम नहीं पेड कर रहे उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं ड्यू टू प्रॉफिट दिखाने के लिए, तो ये जो प्रॉफिट है ये भी निगेटिव प्रॉफिट हो सकती है। एंड डिविडेंड पे आउट हैज बीन वेरी लो एट 0.20%। तो अब कैश फ्लो इसका देखें, तो कैश फ्लो देखिए आप इसका निगेटिव हो रही है। यहाँ पे मार्च 18 को पॉजिटिव दिखाया था। क्वार्टरली रिटर्न देखिए, सेल्स तो बढ़ रहा है, सेल्स में आप देखिए 66 बहुत ज्यादा नहीं बढ़ रहा, क्वार्टरली देखेंगे तो 91/66 आया था, 72 आया। प्रॉफिट उसका 9% ही दिख रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, वापस आप देख रहे हैं जब नेट प्रॉफिट प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो ये निगेटिव प्रॉफिट हो रहा है, -1000 करोड़ का लॉस हो रहा है इसको। जहां पे अगर इसकी पीयर एनालिसिस करें तो देखिए पी रेशियो देखिए 33.90। अब जहां पे इससे तो बेहतर अशोक लेलैंड दिख रहा है, जहां पे एटलीस्ट आप देखेंगे क्वार्टर टू क्वार्टर इसका प्रॉफिट वेरियंस देखिए -133 करोड़ का। उसके बाद आप देखेंगे सेल्स का, तो टू क्वार्टर से टू सिर्फ 2% का सेल्स बढ़ा है, बहुत ज्यादा सेल्स नहीं बढ़ा है। वहीं अशोक लेलैंड 25% से बढ़ा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए टाटा मोटर्स का तो 8% है, जबकि यहाँ पे 28% है अशोक लेलैंड में। तो अब किसी भी तरह से देखें तो अशोक लेलैंड इसके कंपैरिजन मुझे ज़्यादा बेहतर दिखता है कंपेयर टू टाटा मोटर्स। और आपको रेट भी आपको 107 रुपये में अशोक लेलैंड मिल जाएगा कंपेयर टू 175 रुपये का टाटा मोटर्स, ड्यू टू जगुआर प्रॉब्लम सिर्फ। तो अगर टाटा मोटर के बारे में देखें, ये 55,000 करोड़ की कंपनी है, करंट प्राइस 169, अभी 125 अपडेट नहीं हुआ है। लो हाई 443 का था, लो 164 का था। डिविडेंड पेइंग जीरो है, सेल्स ग्रोथ सिर्फ 3% से है, और रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 10% है, और रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड सिर्फ 8%। अगर 72,000 करोड़ की कंपनी है और 8% का कैपिटल इम्प्लॉयड का रिटर्न दे रही है, तो जो आपको मैंने बताया कि इंटरेस्ट को ये कैपिटलाइज कर रही होगी वो क्यों कर रही होगी, क्योंकि उसको यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना होगा, रिटर्न ऑन इक्विटी को बढ़ाना होगा। तो
तो हो सकता है मैनिपुलेशन हो सकता है। वो कहां से अपने को पता चल सकता है? तो अगर 72,000 करोड़ का सेल है तो 730 करोड़ का सिर्फ ऑपरेटिंग है। अगर 6,000 करोड़ का 10% भी माने तो 690-700 करोड़। आप 20-25% का भी कैश नहीं रख सकते। यहां पे कैश किन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टाटा मोटर्स की, यह आपको प्रॉब्लम करेगा। अब इसके कारण हुआ क्या? अब इसके कारण आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे तो सेंटिमेंट देखिए 20% के, अब जो पहले 36-37 था तो यहाँ डिक्रीज दिख रहा है, 20% पे आ गया है। और जो 50,000 करोड़ आज की क्लोजिंग के आधार पर देखें तो 48,000 करोड़ की कंपनी बची है अभी। EPS PC 1.40 दिखा रहा बुक वैल्यू का ही अभी, और यहाँ पे तो अभी PE 3.69 है, इंडस्ट्री PE 28% है, ये अपडेटेड है। तो अब बुक वैल्यू आप सिर्फ देखें ना, बुक वैल्यू देखिए सिर्फ 331 करोड़ का इसका रुपीज का 331 रुपीज का इसका बुक वैल्यू है, वहां पे आपको सिर्फ हाफ पे मिल रही है। तो बुक वैल्यू कंपेरिजन करें तो बहुत अच्छा है। तो SFP ने डाउनग्रेड कर दिया। दूसरा, अगर इसको चार्ट में वॉल्यूम वेटेड एवरेज से भी देखें तो अब क्या ये खत्म हो गया लो? नहीं खत्म हुआ, अभी भी ये फर्दर लो गिरने को तैयार है। और आपको जैसा मैंने 150 बोला वहां तक तो जाएगा, 135 भी जाएगा, और हो सकता है ये आपको अगर नहीं सुधरा या इस पे जगुआर पे जल्दी एक्शन नहीं हुआ और इसको फंड नहीं मिला तो आपको 2 डिजिट में भी ये देखने को मिल सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन 135 मेरा स्ट्रॉन्ग बिलीव है, ये यहाँ पे एक बार 135 टच करके ही जाएगा, उसके पहले ये ऊपर नहीं जाएगा। चलिए, और अभी तो सेंटिमेंट निगेटिव है, फर्दर निगेटिव है। अगर वेटेड एवरेज वैल्यूम देखें तो उसका होना चाहिए 170 रुपये, जहाँ की उसने 169 रुपीज कम पे दिया है, जबकि 1 करोड़ आप देखेंगे वॉल्यूम देखेंगे इसका, तो वॉल्यूम देखेंगे तो आप देखिए 1,49,00,000 1.5 करोड़ का एवरेज वॉल्यूम हो रहा है, उससे इसको फॉलो ये समझिए हो रहा है। और दूसरी चीज देखिए, हाई इसने 173 का बनाया, लो कहाँ बनाया 168 का, और लो पे ही जाके क्लोजिंग दिया इसने। मीन्स अभी भी इतना लो के बाद इसको उठने की हिम्मत नहीं है। रिजल्ट थोड़ा सा सेल्स बिक्री अच्छा ने अनाउंसमेंट हुआ था तो ये थोड़ा अप चला गया था। आप इसको हर भी जहां पे ये अब जाए ना, जब तक ये 200 क्रॉस नहीं करता, 205 नहीं क्रॉस करता है, तब तक आप इसको हर ऊपर पे बिकवाली कीजिए, आप फायदे में रहेंगे। ये सारे अब एजुकेशनल पर्पज से है। आपको अगर कहीं फंड पोजीशन बनानी हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लें। ये सारा मैं आपको जो भी बताता हूँ सिर्फ एजुकेशन पर्पज से बताता हूँ, कैसे चार्ट देखते हैं, कैसे ट्रेंड देखते हैं, कैसे वॉल्यूम वेटेड देखते हैं। अब देखिए सेंटीमेंट भी देखिए इसमें क्या हो गया, जो पहले 70-60% बाइंग था, सेंटीमेंट भी निगेटिव हो गया। जब 216 पे था तो अच्छी खासी सेंटीमेंट दिखा रहा था 67% का, और आज सेंटीमेंट भी लोगों का निगेटिव हो गया। सेंटीमेंट भी निगेटिव है, चार्ट पे भी पैटर्न निगेटिव है, तो बचा क्या है इसमें? अब चार्ट पे भी देखिए तो अब इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट जाकर के मिलता है वो अप्रोक्स, अगर आपको मैं एक बार इसको दिखाऊं तो अब जाकर के इसको जो सपोर्ट यहां पे मिलता है अप्रोक्स 130 के आसपास जाकर सपोर्ट मिलता है। तो 130 के आसपास हो सकता है पहले ये 150 के आसपास एक बार सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा, और वहां से अगर 150 किसी कारण से भी तोड़ता है तो आपको वहां से 130 क्लोजिंग बेसिस पे 133-135 के आसपास, यहां से देखिए आप अच्छा खासा एक बार इसने जंप लिया हुआ है। तो यहां से मुझे लगता है बहुत बार इसको इस लेवल पे यहां पे बहुत दिन तक स्टेगनेंसी भी थी, तो 130-135 पे से हो सकता है अगर अच्छी न्यूज आ गई तो इसको यहां से आपको फायदा हो सकता है। तो फ्यूचर में अगर कोई भी इसको शॉर्ट करके बैठे हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका लॉट साइज जो है आप इसका लॉट देखिए, अगर फ्यूचर के पुट को भी किसी ने लिया होगा उस समय भी लिया होगा 170-180 का पुट लिया होगा, तो देखिए कहां से 7.70 रुपए की आज की क्लोजिंग है। 1-2 रुपए का चीज आपको 7 रुपए मिल रहा है। इसका लॉट साइज है 1500, और अगर इसका वॉल्यूम देखे सेल का तो 1,92,000 की बाइंग है, 2,22,000 की सेल। आज के डेट में भी सेल वाले ज्यादा हैं, बाई वाले कम हैं किसी भी लेवल पे। तो अब इस हिसाब से अगर डेरिवेटिव में जाकर के 27 दिसंबर की 170 की क्लोजिंग है फ्यूचर में इस वो फ्यूचर लेवल पे, और अगर इस पे सपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा आपको ओपनिंग से कहां पे जा रहा है 140 के आसपास बन रहा है, 1,51,000, और आज भी 31,000 का ओपन इंटरेस्ट पुट पे ऐड हुआ है, और सबसे ज्यादा 170 पे ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ 3,54,000 का, और कॉल पे भी ऐड हुआ है 3,21,000 170 के कॉल पुट, जो कि एट द मनी लेवल 170 एट द मनी लेवल। देखिए यहाँ कॉल पुट दोनों तरफ ऐड हुआ है, लेकिन अगर कॉल की तरफ ओपन इंटरेस्ट देखें तो सिर्फ 6,48,000 है, और यहाँ पे 18,24,000 है।
तो यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट है इसको, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये रहेगा और ये तोड़ेगा इसका। जस्ट इसके बाद सेकंड सपोर्ट देखे तो 150 के पास है, और 150 तोड़ता है तो वापस अब उसके बाद तो 140 दिख रहा है, तो 140 को टच करके दिखाएगा आपको। 140 के बाद नेक्स्ट महीने में देखेंगे कौन सा सपोर्ट बना है। लेकिन मेरा अपना व्यू है, अगर जल्दी से जल्दी इसके फंड फ्लो को नहीं समझाया गया, ये इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करते रह जाएंगे, और अगर इसकी अच्छी मैनेजमेंट नहीं हुई तो आपको ये दो डिजिट में भी देखने को मिल सकता है, और ये बहुत कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये मिल सकता है। तो चलिए, मैं तो आपको इससे सावधान कर रहा हूँ, अगर आप चलो एटलीस्ट नहीं भी खरीद बिक्री किया होगा, अगर इसको आपने बाय नहीं किया होगा तो एटलीस्ट आपका पैसा तो बचा होगा। अगर आप अपने एक रुपये का वेल्थ नहीं भी लगाया होगा, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं कमाया और अपने वेल्थ को बचा भी लिया तो भी बहुत अच्छी बात है। आज भी देखें तो यहाँ पे आपको दिख रहा है पुट की ओर ज़्यादा आपको रेट गेन मिल रहा है और कॉल की ओर लॉस मिलता है। कॉल कब आता है? कॉल जब बढ़ता है तो कॉल की ओर आता है, जब गिरता है तो पुट की ओर आपको गेन मिलता है। तो इसमें गिरावट में ही गेन मिल रहा है, तो अभी भी कोई चाहे पुट लेकर के चाहते हैं तो 170 के पुट में आप भी पोजीशन में हैं, 770 का है, आप इसको 770 के 170 के पुट के पोजीशन को बना के होल्ड कर सकते हैं। अभी भी आपको अच्छा खासा पैसा आपको फायदा देखने को मिले, एटलीस्ट एक बार 150 तो जाना ही है इसको। तो जब 150 की ओर जाएगा तो आपकी वैल्यू यहाँ से 2-4 रुपया आपको अच्छा खासा मिल जाएगा। लॉट साइज आपके पास 1500 का लॉट साइज है तो आप वहाँ से अपनी पोजीशन बना करके गेन आप देख सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको टाटा मोटर्स पे अपडेट लाने के लिए आपको बता दिया कि टाटा मोटर्स पे अपडेट देना जरूरी है। S&P ने इसको डाउनग्रेड भी किया है, तो इसलिए मैं आपके पास सोचा जल्दी से जल्द आपको टाटा मोटर्स पे वापस कोई पोजीशन, ऐसा नहीं सोचे कि 400 रुपये से गिरता हुआ आ रहा तो इस पर पोजीशन बना लें, ये 600 का हो जाएगा, 600 का हो जाएगा तो मैं आपके अपने पास ले आऊँगा, 205 क्रॉस कर लेने दीजिए ना। 185 भी इसके लिए अभी 190 क्रॉस करना इसके लिए टफ हो गया, अभी वो 205 तो बहुत हो गया है। तो जब 205 क्रॉस करेगा तो बाइक कर लेंगे ना, 6 साल बाद अगर 205 क्रॉस करेगा तो आपको क्या जरूरत है अभी बाइक करने का, 6 साल का अगर आप अपने पैसे को फंसा रहे हैं। बाइक करने के लिए बहुत टाइम है अपने पास, और बहुत अच्छे अशोक लेलैंड बाइक कर लीजिए ना, अगर आपको इतना ही है तो अशोक लेलैंड तो इससे भी सस्ते 107 में मिल रहा है, और इससे ज़्यादा आज के डेट में पोजीशन अच्छा है। और अशोक लेलैंड में और जब भी ये चेंज ओवर का आएगा गाड़ियों का, तो उसमें अशोक लेलैंड सबसे ज़्यादा आगे निकलेगा, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा एक्सपायर करके और लेने की ट्रक की जो एक्सपायरी होगी वहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ वो ग्रोथ करेगा। तो इससे कहीं बेहतर ऑप्शन अशोक मोटर है। फिर भी आप अपने लेने के पहले, पोजीशन बनाने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर से जरूर बात कर लें, और पेपर ट्रेडिंग ही करें, और पेपर ट्रेडिंग में इसको फ्यूचर में शॉर्ट करके 170 अभी आज भी 170 पे आप शॉर्ट करके रखें, और 1500 का लॉट है फ्यूचर का, आप देखिएगा कितना फ़ायदा होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।